गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चे हम चैप्टर 8 कर रहे थे, एक्सरसाइज 7. ठीक है, डिवीज़न. तो आज हम पढ़ेंगे डिविडेंड. मैंने आपको पहले भी बताया था डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है. ठीक है, डिविडेंड वो होता है जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है. ठीक है, और डिवाइज़र क्या होता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो 18 क्या है, डिविडेंड. ठीक है, ये क्या है 18, ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड. और 2 क्या है, डिविज़र. इसको हम इस नंबर से हम 18 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, और जो आएगा वो होता है क्वेश्चन, और जो बचता है उसे क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर. ठीक है, ओके. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. अब सब फर्स्ट है 3 को हमें 27 को डिवाइड करना है. ठीक है, ओके. अब 3 क्या है बच्चे, डिवाइजर. ठीक है, और 27 क्या है, डिविडेंड. तो अभी हमें देखना है, पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, 3 से छोटा है तो हम दोनों नंबर लेंगे. अभी हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 27 कब आता है. 3 9 से कितना होता है, 27. ओके, ठीक है, तो 9 क्या है, क्वेश्चन. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, एंड 3 क्या है, डिवाइजर. ओके, और 27 क्या है, डिविडेंड. ठीक है, एंड 0 क्या है, रिमाइंडर. ये मैं आपको समझाने के लिए बचा रही हूँ, बता. ठीक है, ओके. तो 9 क्या हुआ हमारा, क्वेश्चन. 0 क्या हुआ, रिमाइंडर. 3 क्या हुआ, डिवाइजर. एंड 27 क्या हुआ, डिविडेंड. ओके, तो इसमें फाइंड द, अभी एक्सरसाइज 7 में क्या करना है, फाइंड द क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिविजन. ठीक है, हमें ये निकालना है क्वेश्चन. ठीक है, क्या है, ओके. फर्स्ट का क्वेश्चन क्या आएगा, 9. तो यहाँ पे आएगा 9. ठीक है, और यहाँ आएगा 27, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 27. 3 9 27, और रिमाइंडर क्या हुआ, 0. ओके, अब भी देखिए 36 डिवाइडेड बाय 6. ओके, 6 6 36. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 36, और रिमाइंडर क्या हुआ, 0. है ना, ये हमारा क्वेश्चन क्या आया, 6, और रिमाइंडर क्या आया, 0. ठीक है, नाउ सी, 4 को हम 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो सेम वही हमने देखा बेटा, 4 8 32. ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0. ओके, ऐसे ही करना है ये आप लोगों को. ओके, अब मैं आपको सिर्फ कॉपी में करके दिखाऊंगी बेटा, बुक में या खुद करना है. ओके, नाउ डी, 54 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से. ठीक है, तो अभी देखते हैं 9 के टेबल में 54 कब आता है. ठीक है, 9 6 54. ओके, तो 6 हमारा क्वेश्चन आया. ओके, ठीक है, तो 6 यहां लिखेंगे, 54 यहां लिखेंगे, और रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, नाउ ई, 35 को हमें 7 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 7 के टेबल में 35 कब आते हैं, 7 5 35. ठीक है, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 35 लिखना है, नीचे 0 आएगा. ठीक है, सेम ऐसे ही लिखना है. ओके, ये जो ब्लॉक, ये जो ब्लू वाला बॉक्स दे रखा है, इसमें हम 5 लिखेंगे. ठीक है, 7 5 35, विथ 35 माइनस 35, 35 में से 35 गए 0, जैसे इसमें लिखा है ऐसे ही लिखना है उसमें. ठीक है, नाउ एफ 8, 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे. ठीक है,
48 को हम 8 से, तो 8 सिक्स 48, ओके, तो 0, ठीक है। सेम यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे माइनस 48 और नीचे 0, ओके। अब इसमें देखो हम क्या करना है, हमें 45 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 के टेबल में कब आता है, 5 नाइन ज़ा 45, ठीक है, ओके। यहाँ 9 आएगा, यहाँ माइनस 45, नीचे 0, ओके। अभी हमें एच करने हैं, तो एच में क्या है, 20 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 20 कब आता है, 2 टेन ज़ा 20, ठीक है, ओके। यहाँ 10 होगा, यहाँ माइनस 20 और नीचे 0, ठीक है बेटा। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही एक्सरसाइज 8 है, सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 12 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 12 तो 2 के टेबल में कब आता है, 2 सिक्स 12 माइनस 2 0, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यू करके 6 आएगा और 12, ठीक है, ऐसे सेम करना है इसमें बुक में भी, ओके। अब बी क्या है, 18 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 नाइन ज़ा 18, तो ऐसे ही करना है बच्चा, सेम, ओके। अब सी क्या है, 21 को 3 से डिवाइड करना है। अभी हमें देखना है कि 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 सेवन ज़ा 21, ओके, रिमाइंडर आ गया 0। नाउ डी, डी क्या है, 15 को 3 से करना है, ओके। 3 के टेबल में कब आता है, 15, 3 फाइव ज़ा 15, ओके, ऐसे करना है, ठीक है ना। अभी 28 को 4 से, ठीक है, 4 सेवन ज़ा 28, ओके, ऐसे करने बच्चे, ये सारा बहुत इजी है, आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी एफ क्या है, 36 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 नाइन ज़ा 36, ओके, ऐसे, ठीक है ना। अब जी क्या है, 30 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से, ठीक है, 5 सिक्स ज़ा 30, ओके। एच क्या है, 5 को हमें, 40 को हमें 5 से करना है, सेम ना, 5 एट ज़ा 40, तो सो रिमाइंडर इज 0, ओके। अब आई क्या है, 42 को 6 से, 6 सेवन ज़ा 42, है ना, सो रिमाइंडर इज 0। नाउ जी, 30 को हमें 6 से करना, तो 6 के टेबल में कब आता है, 6 फाइव ज़ा 30, ओके, सो रिमाइंडर इज 0, ओके। नाउ के 42 को हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, 42 को 7 सिक्स 42, सो रिमाइंडर इज 0, ठीक है। नाउ एल, 70 को हमें 7 से करना है, 7 टेन ज़ा 70, सो रिमाइंडर इज 0, ओके। बेटा ये चार और रह गए, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। हमने कहाँ तक किया, एल तक, एम एन ओ पी, खुद करके दिखाएंगे, ताकि मुझे पता चल कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया, ठीक है। बहुत इजी है बच्चे, पर इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा, दो एक्सरसाइज होगी और नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, थैंक यू।